आजकल पर अजय शर्मा हाईटेक एकेडमी से। आज हम गाड़ी के एयर कंडीशन के बारे में बात करेंगे। हमारे एयर कंडीशन का जो कंप्रेशर होता है, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। अब हम एसी के कंप्रेशर की मैग्नेट कॉइल के बारे में बात करेंगे। ये कैसी दिखाई देती है? सबसे पहले ये हमारे पास एक मैग्नेट कॉइल है जो सही कंडीशन में है और कितनी वायर से ऑपरेट करती है। इसके अंदर इसके साथ दो वायर लगी होती है। एक वायर को बॉडी के साथ ग्राउंड कर दिया जाता है, एक वायर को ये वोल्टेज होती है, यहाँ वोल्टेज दी जाती है। ये यहाँ कंप्रेशर के ऊपर लगा होता है। ये लगाने के बाद इसके ऊपर एक लॉक फिट हो जाता है। लॉक फिट करने के बाद इसके ऊपर ये एक पुली लग जाती है। इस वायर को बॉडी के साथ ग्राउंड कर दिया जाता है और ये वायर के साथ इसे वोल्टेज दी जाती है। अगर हमने इसे चेक करना हो, इसे चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर यूज करेंगे। मल्टीमीटर यूज करने के लिए ये हमारे पास ये एक मल्टीमीटर है। इसे बीप कंडीशन के ऊपर रखेंगे हम। एक वायर को हम यहाँ ग्राउंड कर देंगे। ये बीप करनी चाहिए। अगर बीप करती है तो यहाँ पर आप इसकी ये 0.4.2 ये आपका मल्टीमीटर बता रहा है इसका। इससे पता चलता है ये हमारा मैग्नेट कॉइल बिल्कुल ठीक है। अगर किसी गाड़ी में ये मैग्नेट कॉइल फॉल्टी हो जाता है, हमारी गाड़ी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सबसे पहले हमारा जो कंप्रेशर है ये ऑन नहीं होगा, इसकी वर्किंग बंद हो जाएगी। उसके बाद नंबर दो, गाड़ी के अंदर जो कूलिंग है वो खत्म हो जाएगी, कूलिंग नहीं होगी बिल्कुल भी। नंबर तीन, तीन के ऊपर जो आपकी गाड़ी के आरपीएम बढ़ जाएंगे, एक्सीलेटर हो जाएगी। जब कंप्रेशर ऑन नहीं होगा, आपका एसी तो ऑन है मगर गाड़ी के आरपीएम बढ़ जाएंगे। ऐसे हम इसे इसलिए ऐसे चेक कर सकते हैं, अगर ये वर्किंग नहीं करेगी तो आपका एसी भी ऑफ हो जाएगा। ओके सर।